राव अमरजोत सिंह, राव अमरजोत सिंह, राव अमरजोत सिंह। मैं सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूं, जिस मसीह के लिए आपने सुबह से दो बजे आती है उस वो आज आपके बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से राव साहब का स्वागत। मैं साथियों से दरख्वास्त करता हूं मंच की व्यवस्था बनाए रखें। मैं सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि मंच की व्यवस्था बनाए रखें। आपके मसीहा, आपके प्रिय नेता, आपके जुगारू नेता आपके बीच में है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। राव साहब आपके बहुत बहुत प्यार और सम्मान के आदमी है। पूरी मेवात आज राव साहब के साथ जुड़ी है। मैं राव साहब के साथ पूरी मेवात का जुड़ने का धन्यवाद करता हूँ। सारे साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जितने भी आज हमारी कार्य करने की जो टीम है, आज जितने भी मेवात के पंच और सरपंच है, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ। और अब मैं बड़े अदब के साथ फजरुद्दीन बेसर, सनाउल्ला प्रधान, मुमताज रीठट, अख्तर तिगांव, अर्जुन देव चावला जी और निजाम जी, राव साहब को ताहिरा अजमत जी, आप आए और राव साहब को गदा भेंट करके एक स्मृति चिन्ह के रूप में एक गदा भेंट कर दें, उनका इस्तकबाल कर दें, खैर मकदम कर दें। ताहिरा बेगम जी आ जाएं। मैं इस गदा में रिक्वेस्ट करता हूं कि इस गदा में ताहिरा बेगम ही रहे। बड़ा मेहरबानी, ताहिरा बेगम ही इस गदा में रहे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। ताहिरा बेगम की तरफ से राव साहब को गदा भेंट की जाती है और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं इन तमाम मौजीजानों से फिर गुजारिश कर रहा हूं कि माला पहनाने के लिए एक बड़ी माला है, उसमें हमारे सभी साथी जो डाइस पर हैं, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, जिला प्रमुख जान मोहम्मद जी, आलम उर्फ मुंडल जी, फजरुद्दीन बेसर जी और तमाम मौजीजान, ताहिरा बेगम जी, निजामुद्दीन सरपंच अटेरना, हसन सरपंच, आप आ जाएं और माला पहनाकर मेहमानान का इस्तकबाल करें, खैर मकदम करें। नसीम सरपंच नगीना, आप तमाम लोग आ जाएं जिनका नाम मैं बोल रहा हूं। मौजीजान साथियों, में हमारी ताहिरा बेगम जो पूर्व चेयरमैन नगीना है, ताहिरा बेगम पूर्व चेयरमैन नगीना है, वो हमारी मांग पत्र पढ़ के राव साहब को, राव साहब के सामने रखेगी। कृपया में राव साहब से भी, राव साहब जो है उनका उनका सुने। मैं सभी साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि वे स्टेज पर हो जाए। हमारा जो ये मांग पत्र है वो ताहिरा बेगम आप साहब को मांग पत्र सुनाएगी और उनको ध्यान से सुने। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, किनारों को बदलो मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। सभी को मेरा दिल से सलाम, सभी भाइयों को नमस्कार। आज सद्भावना समारोह कार्यक्रम में हमारे बीच आए हमारे खसूसी मेहमान आदरणीय व मान्य, हमारे हर दिल अजीज, कर्मठ, ईमानदार और प्रिय नेता आदरणीय माननीय राव साहब। साथ में आए पटौदी से हमारी बहन, हमारे पार्टी के कर्मठ जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल जी, पूर्व में रहे हमारे एमएलए साहब नसीब अहमद जी, हमारे जिला के प्रमुख जान मोहम्मद जी और भाई जाहिद हुसैन, मेरे गांव से आया हुआ सरपंच भाई हथौड़ी व आसपास से आई हुई सभी सरदारी, मेरी बहने, यहाँ आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे हमारे बच्चे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादा आज स्वागत करती हूँ। प्रदेश सरकार व माननीय राव साहब ने सभी धर्मों का, सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का बिना भेदभाव विकास कराया है। इसी भेद बगैर जो भेदभाव के जो विकास कराया है, इसी मेल झोल को, इसी एकता को सद्भावना कहते हैं और इसी भावना के साथ आज हम यहाँ अशोक वाटिका में इकट्ठे हुए हैं। इंशाल्लाह इसी मेल भाव
और इसी एकता के साथ हम आने वाले वक्त में राव साहब को भारी से भारी मतों में जीत दर्ज कराएंगे। हमारे माननीय राव साहब आने वाले वक्तों में भी हमारे नेता रहेंगे। जो तो बहुत प्रदेश सरकार और माननीय राव साहब ने मेवात में बहुत से विकास कार्य करवाए हैं, लेकिन फिर भी हमारे मेवात वासियों की जो बरसों से मांगे चली आ रही हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नूह में बने शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नल्लड की हालात में सुधार किया जाए। NS-248A को नूह से मुंडा का बॉर्डर तक फोन लाइन करवाया जाए। कोटला झील का लगभग 1 एकड़ में विस्तार किया जाए। मेवात कैनाल का कार्य जल्द शुरू करवाया जाए। नूह में हुड्डा द्वारा जमीन अधिग्रहण कर सेक्टर चिकित्सक करवाया जाए। नूह में पलवल नूह से होटल बटकली होटल सड़क चौड़ीकरण का कार्य जल्द शुरू करवाया जाए। नूह में यूनिवर्सिटी का निर्माण करवाया जाए। नूह में सैनिक बोर्ड का कार्यालय बनवाया जाए। गुरुग्राम में नूह तक मेट्रो रेलवे लाइन बिछवाई जाए। सेना में अन्य रेजिमेंट की तरह मेव रेजिमेंट भी स्थापित किया जाए। मेवात कैडर के अंदर वरिष्ठता के आधार पर भर्ती कराई जाए। नूह जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाए। यूं तो और भी बहुत सी मांगे हैं जो राव साहब हमारे माननीय जी आपके सामने उन मांगों को पूरी करके जाएंगे इंशाल्लाह। लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, यदि जीवन में उठना है तो भाजपा की तरह उठो कि विपक्ष का कोई भी नेता सामने खड़ा ना हो पाए। जय हिंद, धन्यवाद।